नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय भागलपुर सिटी डेवलपर्स। महादेव सिंह कॉलेज की जर्जर दो मंजिला इमारत हुई ध्वस्त, बाल बाल बचे कर्मचारी। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कटिहार टाउन थाना का किया औचक निरीक्षण, पुलिस कर्मियों में मचा हड़कंप। जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट, दो की हालत गंभीर। लाजपत पार्क जल मीनार निर्माण का रास्ता हुआ साफ, हाई कोर्ट ने हटाई रोक। और विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की तैयारी का जायजा लेने पहुंचे एडीएम, तय समय सीमा में कार्य पूरा करने के दिए निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। भागलपुर महादेव सिंह कॉलेज का जर्जर हो चुका तीन मंजिला बिल्डिंग का बरामदा गुरुवार की देर रात अचानक ढह गया। इस दौरान बरामदे के दूसरे छोर पर सो रहे कॉलेज कर्मी बाल बाल बच गए। कर्मचारी शिव शंकर चौधरी ने कहा कि परीक्षा का काम समाप्त करने के बाद सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक प्रथम और दूसरी मंजिला का बरामदा ढह गया। मलबा गिरने के बाद इसकी सूचना प्राचार्य डॉक्टर केडी प्रभात को दी गई। हम आपको बता दें कि दिन में कॉलेज के उसी बिल्डिंग में सैकड़ों छात्र छात्राओं ने पार्ट 3 की परीक्षा दी थी। अगर यह घटना परीक्षा के समय घटता तो बड़ा हादसा हो सकता था। लोग यहाँ पर जो फार्म भरा रहा उस सबका ऑनलाइन करके सारे 11 बजे अपने बिछावन पर गए। 11:55 में आवाज उठाया हल्का सा, हमको जैसे उठ के बैठते थे तब हवा गिरने लगा। उसके बाद हम चौसल जूसा बिछावन में लेकर मथा लेग पीछे में लेकर इससे गिर गए। अब नहीं भाग सके, धरती पकड़ के धीरे 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 हम नीचे गए। नीचे जाकर के जब हाफ सांस लेते लेते तब बचे, हम छत समुचा से गिर गए। हम रात के आदेश पालों में संकट उज्जवल नाम है। महादेव सिंह कॉलेज की दो मंजिला बिल्डिंग धाराशाही होने के बाद तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासन ने पार्ट 3 परीक्षा के सेंटर में बदलाव कर दिया है। महादेव सिंह कॉलेज में जिन छात्रों की परीक्षा होनी थी उन छात्रों की परीक्षा विश्वविद्यालय बहुउद्देशीय प्रशाल में ली जा रही है। प्रतिकुलपति प्रोफेसर राम यतन प्रसाद ने कहा कि प्रथम और दूसरी पाली की परीक्षा 2 दिनों तक बहुउद्देशीय प्रशाल में होगी। केडी प्रभात वहाँ के प्राचार्य हैं, उन्होंने हमको 1 बजे रात में फ़ोन किया कि सर आप बताइए कि हमारे यहाँ तो गिर गया, इसका सेंटर चेंज कर दीजिए। तो हमने कहा कि आपकी क्या व्यवस्था है, कुछ व्यवस्था सोचा है क्या आपने? उन्होंने कहा कि सर इसीलिए आपको फ़ोन किए हैं, कष्ट दिए हैं सर, ऐसे ऑफिसर को 1 बजे हम नहीं उठाते हैं जनरली, किंतु आपको कहा कि अच्छी बात है, आप ऐसा करिए, हमारे पास है व्यवस्था, परीक्षा प्रशाल है, मल्टीपर्पज हॉल, आप वहीं हम आपके सेंटर को शिफ्ट कर देंगे। चाबी केसकर ठाकुर के पास है, आप भेजिए किसी को और हमारे पास आइए, आप एक एप्लीकेशन लेके हमें अलाउ कर देते हैं उसमें। नहीं, ये तो हम 2 दिन की व्यवस्था किए हैं उनका, मतलब एक आज पहली सीटिंग का है, वो अलाउ करेंगे तो दूसर का, अगर मतलब कोई दूसरी मेरी परीक्षा नहीं होगी तब कंटिन्यू कर सकते हैं वो, जब तक उनका मलबा हट नहीं जाता है। राज्य में बढ़ते अपराध और पुलिस कर्मियों के कार्यशैली की जांच करने के लिए डीजीपी का औचक निरीक्षण जारी है। शुक्रवार की सुबह डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे कैपिटल एक्सप्रेस से कटिहार पहुंचे और सादे लिबास में नगर थाने का औचक निरीक्षण किया। डीजीपी के कटिहार पहुंचते ही पुलिस कर्मियों में हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान डीजीपी ने स्टेशन डायरी, केस डायरी, मालखाना और अनुसंधान डायरी में खामियां पाते ही पुलिस अधिकारियों को जमकर क्लास लगाई। गुप्तेश्वर पांडे ने पुलिस कर्मियों को अपराध के प्रति अलर्ट रहने की नसीहत देते हुए कहा कि किसी भी सूरत में अपराध से समझौता नहीं किया जाएगा। डीजीपी ने चोरी, लूट, डकैती को बड़ी समस्या बताते हुए पदाधिकारियों को मिलकर इस घटना पर लगाम लगाने का भी निर्देश दिया। भागलपुर नाथनगर में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस घटना में पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र शीतला स्थान के समीप जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चला। मारपीट की घटना में पंकज ताती और पत्नी सुलेखा देवी गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। पुलिस पूरे मामले की जाँच में भी जुट गई है। पहले झगड़ा हुआ था, झगड़ा में वो लोग प्लानिंग था, प्लानिंग अचानक वो लोग आ गया,
भाभी मेरी द्वारे पे थी कि हम लोग घर में थे, इसको डिवोर्स, हाँ इसको रेप करने का कोशिश किया, बचने के लिए चिल्लाया, इसका पति दौड़ा, इसका पति पति को मारा रड से, इसको गड़ासी से मार के चिल्लाने के गोली चला दिया। पहले दो महीना पहले हुआ था, माथा मेरा भंगा था और मेरा भाई का एक माथा भंगा था, लेकिन कोई एक्सेप्ट नहीं किया पुलिस। क्या बोल रहा है प्रशासन? प्रशासन यही बोल रहा है हम क्या करेंगे, मारपीट हुआ, सारा चीज से वो तैयार था, सुबह निकल दीवार दे रहा था, हाँ अभी हम सब बापू के घर में था, अचानक वो सब सारा केवर तोड़ के अंदर घुस गया, और मेरा वाइफ थी अकेले घर में, लोग रोड साइड में थे, एक बीच वाला घर में था मेरा वाइफ अकेला, जोर 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 से हल्ला करने लगे, हम गए वहाँ से बचाने, देखिए नहीं क्या हुआ, फिर से मेरा भाई सब दौड़ा, वो ऊपर से वो ढेला दो मंजिला पर ढेला पांच छह को फैर गया गोली, और रेड था, लाठी था, ग्रासी था, हथियार था, पूरा तैयार। भागलपुर के लाजपत पार्क में निर्माणधीन जल मीनार पर कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को हाईकोर्ट ने हटा लिया है। हाईकोर्ट ने नगर निगम का पक्ष सुनने के बाद यह फैसला दिया, जिससे नगर निगम प्रशासन ने राहत की सांस ली। अब फिर से जल मीनार के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने जल संकट और जनहित को ध्यान में रखते हुए जल मीनार के निर्माण को आवश्यक बताया और आगे से किसी पार्क में जल मीनार का निर्माण नहीं करने की हिदायत दी। इसको लेकर उप महापौर राजेश वर्मा ने कहा कि न्यायालय ने जनता की दर्द और जरूरत को समझा और जल मीनार के निर्माण को क्लीन चिट दे दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो लोग जल मीनार के निर्माण का विरोध कर रहे थे उसके लिए यह एक सबक है कि जनहित के कार्यों में राजनीति करने के बजाय विकास कार्य में सहयोग करना चाहिए। गौरतलब हो कि मीनार निर्माण को लेकर राजनीति गरमाई थी और इसके बाद मामला कोर्ट में जाने के बाद हाई कोर्ट ने निर्माण कार्य पर रोक लगा दी थी। श्रावणी मेला की तैयारियों का जायजा लेने गुरुवार को एडीएम राजेश झा राजा और सदर एसडीओ आशीष नारायण सुल्तानगंज पहुंचे, जहां दोनों अधिकारियों ने मेला कार्यों का निरीक्षण कर गुणवत्ता की जाँच की। सबसे पहले अधिकारी गंगा घाट पहुंचे और वार्ड नियंत्रण विभाग द्वारा गंगा घाट के समतलीकरण कार्य का जायजा लिया। कार्य की धीमी रफ्तार को लेकर अधिकारियों ने जेसीबी मशीन की संख्या बढ़ाकर समय सीमा के अंदर कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। वहीं अधिकारियों ने गंगा नदी में मजबूत बैरिकेडिंग के साथ जियो बैग घाट के किनारे लगाने का निर्देश दिया। आप वैष्णो देवी जाएंगे, हर एक किलोमीटर में टॉयलेट बाथरूम होनी चाहिए और गंगा साफ होना चाहिए, जैसे वो है क्या नाम है हरिद्वार में जैसा बना हुआ है, बड़ा चैन होना चाहिए जो बच्चे लोग पकड़ के नहाए, जिससे डूबने का कोई चांस ना हो, ठीक है। और यहाँ पे एक शिव मंदिर होना चाहिए और बहुत साफ, जब आप गुरुद्वारा जाते हैं कितने साफ, पानी नहीं गिरना, पानी नहीं गिरना चाहिए, और जगह जगह पे शिव रख रखा वो हटा के बीच गंगा में रख दीजिए, क्योंकि उसमें कुछ पैर नहीं जाएगा ना, बीच गंगा में रखना चाहिए। भागलपुर डीआरडीए सभागार में शुक्रवार को जिला स्तरीय प्रधान लिपिकों की बैठक डीडीसी सुनील कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में डीडीसी एवं सहायक प्रशासनिक पदाधिकारी नागेंद्र प्रसाद मंडल ने जिले भर में कार्यरत सभी विभाग के प्रधान लिपिकों से सरकार द्वारा चलाई जा रही कार्यों की समीक्षा की और कार्य की धीमी रफ्तार को लेकर प्रधान लिपिकों को फटकार भी लगाई। इस दौरान 22 कार्यालय के प्रधान लिपिक के बैठक में शामिल नहीं होने पर अधिकारियों ने नाराजगी व्यक्त करते हुए एक दिन का वेतन स्थगित करने का निर्देश दिया, जबकि सामान्य रोकड़ बही, उप रोकड़ बही एवं राशि का ब्यौरा की छाया प्रति उपलब्ध नहीं कराने पर 23 प्रधान लिपिकों से स्पष्टीकरण पूछा गया है। सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों का ससमय सेवांत लाभ भुगतान करने एवं CWJC से संबंधित सभी लंबित वादों का निष्पादन करने और सभी प्रधान लिपिकों को बैठक से संबंधित प्रतिवेदन एवं सामान्य रोकड़ बही, उप रोकड़ बही एवं राशि ब्यौरा की छाया प्रति प्रत्येक माह के अंतिम एक तारीख को उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए सिल्क टीवी के साथ।
बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। भागलपुर के सनहौला प्रखंड परिसर में राजद कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन करते हुए राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से हुई बच्चों की मौत एवं बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर नारेबाजी करते हुए राजद कार्यकर्ताओं ने कहा कि सात निश्चय योजना के तहत हर घर नल जल योजना में घोर लापरवाही बरती जा रही है। प्रखंड में सिंचाई की सुविधा नहीं होने के कारण किसान परेशान है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रखंड अध्यक्ष रामविलास यादव के नेतृत्व में वीडियो को ज्ञापन भी सौंपा। मुख्य उद्देश्य है कि सरकार जो है अभी राज्य में चमकी बुखार के कारण हजारों बच्चे की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन सरकार एकदम नाकाम है। इस पर कोई उचित सार्थक कदम नहीं उठा रहे। पंचायत स्तर पर न तो शिविर लगाया जा रहा है, नहीं कहीं डॉक्टर का टीम जाता है। गरीब बच्चे का मृत्यु हो रहा है। पेयजल संकट से काफ़ी तबाही है। लोग मतलब किसान जो है सुखाड़ की स्थिति को मतलब मवेशी को भी पानी पीने का नहीं, आदमी को भी पानी पीना जो है एकदम मतलब इतना काफी दिक्कत कभी नहीं हुआ था। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय प्रशासन हॉस्टल खाली कराने को लेकर सख्त हो चुका है। विद्यालय के हॉस्टल में अवैध रूप से रह रहे छात्रों को हर हाल में हॉस्टल खाली करना होगा। छात्रावास खाली कराए जाने को लेकर DSW डॉक्टर योगेंद्र महतो ने कहा कि शुक्रवार को भागलपुर जिलाधिकारी प्रणव कुमार, SSP आशीष भारती और SDO आशीष नारायण से वार्ता हो चुकी है और अब अवैध रूप से रह रहे छात्रों को मौका नहीं दिया जाएगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि हम लोगों ने छात्रावास खाली कराने के लिए नोटिस दी, उनसे आग्रह किया, निवेदन किया, विश्वविद्यालय का एक्ट का हवाला दिया, तो बहुत हद तक हॉस्टल खाली हो गया है। अब जो लोग बचे हुए हैं और ये जिद मान कर बैठे हुए हैं कि हॉस्टल जो है हम खाली नहीं करेंगे, तो उनसे उनके बारे में आज जिलाधिकारी, SSP और SDO और हम सारे लोग वहाँ मौजूद थे और बैठक हुई है, उसको जल्द ही खाली कर दिया जाएगा। वैसे एक बार फिर से निवेदन है कि वो अपना हॉस्टल खाली कर दें, और नहीं तो प्रशासन जब उसमें हस्तक्षेप करेगा तो हम उसको रोक नहीं सकेंगे। और हर हाल में कोई भी लड़का अवैध रूप से हॉस्टल में नहीं रह सकता। भागलपुर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के नवटोलिया में मजदूरी के दौरान पिता और पुत्र के करंट की चपेट में आने से पिता की मौत हो गई। घटना में पिता वैद्यनाथ मंडल की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि पुत्र हीरालाल मंडल आंशिक रूप से जख्मी हो गया। दोनों मजदूर की पहचान नाथनगर बेलखोरिया निवासी के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि नवटोलिया छट्टू यादव के घर मजदूरी के दौरान तार में लीकेज के कारण दोनों मजदूर करंट की चपेट में आ गया, जिससे कि एक की मौत मौके पर ही हो गई। वहीं घायल मजदूर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। भागलपुर जिलाधिकारी कार्यालय में ICDS द्वारा राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत निकाली गई रिक्तियों के लिए आवेदन करने वालों का साक्षात्कार शुक्रवार को DM प्रणव कुमार की देखरेख में संपन्न हुआ। इस दौरान जिला समन्वयक एवं जिला परियोजना सहायक के लिए साक्षात्कार देने वाले अभ्यर्थियों की कतार DM कार्यालय के बाहर लगी रही। अपने मूल प्रमाण पत्र के साथ पहुंचे, जिसका मिलान कर अधिकारियों ने साक्षात्कार के लिए जिला समन्वयक पद एवं जिला परियोजना सहायक पद के लिए कुल 33 अभ्यर्थियों ने साक्षात्कार में हिस्सा लिया। इस मौके पर सिविल सर्जन विजय कुमार सिंह, जिला योजना पदाधिकारी स्थापना शाखा के गुलाम हुसैन, DPO ICDS अर्चना कुमारी एवं केयर इंडिया के प्रतिनिधि भी मौजूद थे। स्नातक पार्ट 3 की परीक्षा में गलत प्रश्न पत्र बांटे जाने को लेकर सुंदरवती महिला महाविद्यालय की छात्राओं ने परीक्षा नियंत्रण से मुलाकात कर दोबारा परीक्षा लेने की बात कही। छात्रों ने बताया कि भागलपुर मारवाड़ी कॉलेज में 3 जुलाई को स्नातक दर्शन छात्र के 8वें पेपर के ग्रुप ए की परीक्षा थी, लेकिन शिक्षकों ने ग्रुप डी का प्रश्न पत्र बांट दिया। गलत प्रश्न पत्र दिए जाने को लेकर छात्राओं ने शुक्रवार को पहले परीक्षा नियंत्रक को आवेदन दिया, लेकिन परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अरुण कुमार सिंह ने आवेदन लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद एक दर्जन से अधिक छात्रा DSW योगेंद्र महतो के पास पहुंची और आवेदन देकर समस्या दूर करने की बात कही। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह ने कहा कि छात्राओं के एडमिट कार्ड में ग्रुप अंकित नहीं है। हम लोग को गलत क्वेश्चन बांट दिया गया था। हम लोग फिर से एग्जाम देना चाहते हैं फिलोसफी का पेपर 8 का। गलत क्वेश्चन मतलब जो हम लोग का क्वेश्चन था वो नहीं बांटा गया था।
सर हम लोगों को जो जिस चीज़ का एग्ज़ाम देना था उसका पेपर हम लोग को मिला नहीं, जिसकी वजह से हम लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। और वहाँ पे जब सर को बोला गया कि हम लोगों को एग्ज़ाम में क्वेश्चन दूसरा चाहिए, तो वो लोग हम लोगों को डांट के बिठा दिए वहाँ पे। हम लोग जब विरोध किए तो बोले कि जो क्वेश्चन मिला है उसी के अनुसार तुम लोग को एग्ज़ाम देना पड़ेगा। यहाँ पे मिलने के लिए आए तो फिर वहाँ पे हम लोगों को भेजा गया सेंटर पे, जहाँ पे हम लोगों का सेंटर पड़ा था वहाँ पे फिर से वापस भेजा जा रहा है। वो फिलोसफी की लड़की थी और सेंटर पर मैंने ए और बी ग्रुप दोनों भेजा, लेकिन लड़कियों के एडमिट कार्ड चेक करने से कुछ पता नहीं चलता है कि ए ग्रुप की है कि बी ग्रुप की है, कोई ग्रुप नहीं लिखा है। फिर भी उसे खड़ा होकर मांगना चाहिए क्वेश्चन कि हमको ए ग्रुप का क्वेश्चन दिया जाए, और सेंटर देता चूंकि दोनों ग्रुप के क्वेश्चन वहाँ उपलब्ध है। और अंत में चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय भागलपुर सिटी डेवलपर्स। महादेव सिंह कॉलेज की जर्जर दो मंजिला इमारत हुई ध्वस्त, बाल बाल बचे कर्मचारी। डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कटिहार टाउन थाना का किया औचक निरीक्षण, पुलिस कर्मियों में मचा हड़कंप। जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट, दो की हालत गंभीर। लाजपत पार्क जलमीनार निर्माण का रास्ता हुआ साफ, हाईकोर्ट ने हटाई रोक। और विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले की तैयारी का जायजा लेने पहुंचे एडीएम, तय समय सीमा में कार्य पूरा करने के दिए निर्देश। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, जुड़े रहिए सिल्क टीवी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।